नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बेलगाम के अथनी में कृष्णा नदी में डूबने से चार भाइयों की मौत। गौरी लंकेश हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार सहित सभी पक्षों से किया जवाब तलब। नीति आयोग ने कर्नाटक को दी महिलाओं और बच्चों के पोषण पर ध्यान देने की सलाह। कोरोना ही नहीं, नए वायरसों से भी निपटने के लिए तैयार की प्रयोगशाला। ड्रोन को दूर से ही तबाह कर देगा ये खास सिस्टम, सरकार कर रही बड़ी तैयारी। खाने के तेल की कीमतों में आएगी गिरावट, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर शहर के चौबारा में एक कुआं लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। इस कुएं की चौदीवारी गिर चुकी है, जिससे जानवर सहित अन्य लोगों के गिरने का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कई दिनों से यह कुआं इस हालत में है, लेकिन इसका जिम्मेदार विभाग नगरसभा कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। हमारे संवाददाता अमजद पाशा ने चौबारा क्षेत्र के लोगों से इस संबंध में बात की। मेरे भाइयों, यहाँ पे चौबारे के बाद बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। ये बौली जो है, देखिए आप लोग, बौली का लोकेशन देखिए, कोई भी आया तो अंदर बौली में गिर जाता है। भाई जरा इत्यादि करके इसके ऊपर कुछ तो भी इंतजाम करिए आप। आप लोग पूरे तजुर्बेकार आदमी आए यहाँ पे, छोटे बड़े सभी लोगों की जान को खतरा है ये बौली से। रात में लाइट नहीं रही, करेंगे कोई भी गिरेगा करेंगे। आप लोग भी जरा देखिए, आप लोग ये बात मीडिया तक हम पहुँचा रहे हैं। आप लोग जरा मेहरबानी करके म्यूनसिपल काउंसिलर से, कोई भी जिम्मेदार आदमियों से बात करके जरा इस पर बेड वगैरह का इंतजाम करिए, ठीक है। बीदर जिला लेबर अधिकारी रमेश एस सुबांद ने केपी चैनल के संवाददाता अमजद पाशा से बात करते हुए कहा कि जिले में 1,00,000 मजदूरों के लिए राशन किट जारी किए गए हैं, जिन्हें उन तक वितरण किया गया है। वितरण किए गए सभी किटों का रिकॉर्ड मौजूद है। बीदर नली मान्य शनिवार दिवस ना कोटिदीवी, अदे रीति इवतु औराद्नल्ली सन्मान्य ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಸರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 50 ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಿಟ್ಟನ್ನು 6 ಕಿಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕಿಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಅಭಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಗಳು, ಏನು ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಗೋಡೌನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಬೀದರ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಗೋಡೌನು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನದ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಬ್ ಸಮಾಚಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಬೆಲಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ ಅಥನಿ ತಾಲೂಕಾ ಮೇ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮೇ ಚಾರ್ ಭಾಯಿಯೋ ಕಿ ಡೂಬ್ನೆ ಸೇ ಮೌತ್ ಹುಯಿ ಹೈ. इस संबंध में प्राप्त सूत्रों के अनुसार चारों भाई नदी पर कपड़े धोने गए थे और वहां उनका पैर फिसलने से नदी में बह गए. अभी तक किसी की भी लाश नहीं मिली है. प्रशासन नदी में चारों भाइयों की लाशों की खोज जारी रखा हुआ है. ये नाक युवकरु परशुराम बनसोड़े, सदाशिव बनसोड़े, दरप्पा बनसोड़े मत्ते शंकर बनसोड़े अंत नाक युवकरु 3 गंटे के सुमार नदी मिसिंग आगिदरु अंत नमगे तहसीलदार मुखांतर ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಟೀಮ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು 45 minutes ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 1-1.5 hours ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಪೂರ ಅವ್ರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವತಿಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಥ್ರೂ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟೀಮ್ದೊಂದು ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಈಗ. ದೇಶ ಕಿ ಶೀರ್ಷ ಅದಾಲತ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇ ಪತ್ರಕಾರ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮಾಮಲೆ ಮೇ ಬಹನ್ ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ ಕಿ ಯಾಚಿಕಾ ಪರ್ ಸುನ್ವಾಯಿ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಮೇತ ಸಭಿ ಪಕ್ಷೋ ಕೋ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಹಾಲಾಂಕಿ ಶೀರ್ಷ ಅದಾಲತ್ ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಿ ಓರ್ ಸೇ ಬುಧವಾರ ಕೋ ಸುನಾಯೇ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ಫೈಸಲೆ ಪರ್ ರೋಕ್ ಕಿ ಮಾಂಗ್ ಪರ್ ಆದೇಶ್ ನಹೀ ದಿಯಾ. दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है. आरोपी इसे आधार बनाकर जमानत ले सकता है, जिसके खिलाफ कविता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाला है.
लेकिन शीर्ष अदालत ने उस पर कोई रोक नहीं लगाई है। कविता की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हफ्जा अहमदी और सहायक अपर्णा भट्ट ने दलील दी है कि मोहन नायक आरोपी नंबर 6 हैं और वह हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर जमानत ले सकते हैं। नीति आयोग ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पहले स्थान पर पहुंचने के लिए वह गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण, लैंगिक समानता, आवास, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करे। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने आयोग के सदस्यों और अधिकारियों के साथ इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने SDG सूचकांक में राज्य की स्थिति में सुधार पर संतोष व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने SDG 2030 में शीर्ष पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है। आयोग के सदस्यों ने भी सूचकांक में राज्य की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार को सराहनीय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने राज्य की उपलब्धियों पर चर्चा की। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में राज्य की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हमने उन प्राथमिकताओं पर चर्चा की है जिन्हें राज्य को नंबर 1 की स्थिति में ले जाने के उद्देश्य से निर्धारित किया जाना है। भारतीय विज्ञान संस्थान के संक्रामक रोग अनुसंधान केंद्र में COVID-19 वैक्सीन परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, जहां न सिर्फ COVID-19 टीकों, एंटीवायरल सामग्री एवं उपकरणों आदि का परीक्षण संभव हो रहा है, बल्कि भविष्य में भी किसी महामारी से लड़ने के लिए यह केंद्र तैयार हो रहा है। इसकी स्थापना संक्रामक रोग अनुसंधान केंद्र के वायरल जैव सुरक्षा स्तर 3 में की गई है। केंद्र के प्रभारी एवं IISC में माइक्रोबायोलॉजी एवं सेल बायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर शशांक त्रिपाठी ने बताया कि इसके निर्माण की योजना कोरोना महामारी से पहले वर्ष 2019 में ही बनी थी। केंद्र सरकार ने जैव प्रौद्योगिक विभाग एवं जैव प्रौद्योगिक उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से यह केंद्र अक्टूबर 2020 में बनकर तैयार हुआ। जनवरी 2021 में तमाम आवश्यक मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ जैव विज्ञान विभाग की डीन उषा विजय राघवन के नेतृत्व में इसका संचालन शुरू हो गया। अब इस प्रयोगशाला को कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं एंटीवायरल अनुसंधान के लिए IISC के अलावा उद्योगों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को भी सुलभ कराया जाने लगा है। अंतरिक्ष सुधारों के तहत भारतीय निजी कंपनियों को अपना प्रक्षेपण यान और उपग्रह लॉन्च करने के साथ ही अपना प्रक्षेपण स्थल तैयार करने अथवा लॉन्च पैड स्थापित करने की भी अनुमति होगी। निजी कंपनियां अंतरिक्ष से पुनः धरती पर उतरने वाले मिशन भी लॉन्च कर सकेगी। दरअसल अंतरिक्ष विभाग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिवहन नीति का मसौदा जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों को वैश्विक लॉन्च सेवा बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करना है। सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का ध्यान अब अंतरिक्ष आधारित अनुसंधान एवं विकास पर होगा। निजी क्षेत्र लीज पर भी दे सकते हैं लॉन्च पैड। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP न्यूज 24x7। डूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज 24x7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयास खान जो एक हमदर्द इंसान है और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयास खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयास खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयास खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित प्रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयास खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24x7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयास खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयास खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24x7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है।
देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। ड्रोन्स के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सरकार एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम खरीदने के बारे में विचार कर रही है, जिसे जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और पाकिस्तान से लगती सीमा के पास तैनात किया जा सके। रक्षा क्षेत्र में जुड़ी देश की एक प्राइवेट कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने इंद्रजाल नाम से स्वदेशी ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम बनाने का दावा किया है। कंपनी के मुताबिक इंद्रजाल 1000 से 2000 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी ड्रोन या लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को खत्म करने में सफल है। ग्रेने रोबोटिक्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोपी रेड्डी के मुताबिक इंद्रजाल टारगेट की तरफ आते किसी भी ड्रोन को दूर से ही तबाह कर सकता है। इंद्रजाल मोबाइल सिस्टम है जो जरूरत के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह तैनात किया जा सकता है। ड्रोन्स के खतरों से निपटने के लिए सरकार DRDO से मदद लेने के साथ साथ विदेश से भी एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद कर सकती है। देश में कोरोना वायरस से हुए मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया और केंद्र सरकार को महामारी से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम मुआवजा तय नहीं कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 6 सप्ताह के भीतर प्रत्येक कोविड पीड़ित को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि निर्धारित करने का दिशा निर्देश जारी करे। NDMA कर्तव्य निर्वहन में रहा विफल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कोविड पीड़ितों को अनुग्रह राशि सहित राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करने के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य है। अनुग्रह राशि प्रदान न करके NDMA अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच आपके लिए थोड़ी राहत की खबर है। आपके किचन का बजट थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि खाने के तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। दरअसल सरकार ने पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। इस कदम के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि रिटेल मार्केट में खाने के तेल की कीमतें घट जाएंगी। मई 2021 में खाने के तेल की कीमतें 10 साल के उच्चतम स्तर पर थी। जो तेल पिछले साल तक 90 से 100 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा था, अब उसकी कीमत 150 से 160 रुपए हो चुकी है। कितनी हुई इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कस्टम ड्यूटी घटाने के बारे में जानकारी दी गई है। अब क्रूड पाम ऑयल पर सेस और अन्य चार्जेस मिलाकर कुल ड्यूटी 30.25% हो गई है, जो कि पहले 35.75% थी, जबकि रिफाइंड पाम ऑयल के लिए ड्यूटी 49.5% से घटाकर 41.25% हो गई है। CBIC ने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि ये बदलाव 30 जून से लागू होंगे और 30 सितंबर तक जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में किसानों को अगस्त से अगली यानी नौवीं किस्त भेजी जाएगी। इस योजना के तहत 2000 रुपए की 3 किस्त यानी 6000 रुपए सीधे किसानों के अकाउंट में जाता है। इसके अलावा किसानों के लिए पेंशन की सुविधा PM किसान मानधन योजना भी है। खास बात यह है कि अगर आप PM किसान में अकाउंट होल्डर है तो आपको किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन PM किसान मानधन स्कीम में भी हो जाएगा। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। लंबे इंतजार के बाद एक फिल्म जो वास्तव में आपको अपनी जगह पर कसकर बांधे रखती है, शेरनी। फिल्म का ये टाइटल सचमुच लीड एक्ट्रेस विद्या बालन का पर्याय है। न्यूटन के निर्देशक अमित मसूरकर ने एक बार फिर स्क्रिप्ट से एक नई तरह की फिल्म को पेश करके खुद को साबित कर दिया है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर नहीं है MS धोनी और विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर का नेटवर्थ अब भी सबसे ज्यादा है। सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेटर्स अपने खेल के जरिए बेशुमार दौलत कमाते हैं। विराट कोहली और MS धोनी जैसे प्लेयर्स की सालाना कमाई करोड़ों में है। हालांकि ये बेहद कम लोगों को पता होगा, रिटायरमेंट के इतने सालों के बाद भी नेटवर्क के मामले में सचिन तेंदुलकर विराट और धोनी से आगे हैं। अंत में समाचार बाजार के। अगर आप बिजली सेवाएं देने वाली मौजूदा कंपनी से खुश नहीं हैं, तो बहुत जल्द आपके पास ये अधिकार होगा कि आप पुरानी कंपनी को छोड़कर दूसरी मनचाही बिजली कंपनी को पावर सप्लाई के लिए चुन सकेंगे। ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि आप किसी टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं से नाखुश है तो दूसरे टेलीकॉम कंपनी पर पोर्ट कर जाते हैं। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह ने कहा है कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को जुलाई में शुरू होने वाले मानसून सत्र में पेश कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म होगा।
जो उपभोक्ताओं को एक बड़ी ताकत देगा। जनवरी में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 का एक प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जारी किया गया है। फिर से एक नज़र मुख्य समाचारों पर। बेलगाम के अथनी में कृष्णा नदी में डूबने से 4 भाइयों की मौत। गौरी लंकेश हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार सहित सभी पक्षों से किया जवाब तलब। नीति आयोग ने कर्नाटक को दी महिलाओं और बच्चों के पोषण पर ध्यान देने की सलाह। कोरोना ही नहीं नए वायरसों से भी निपटने के लिए तैयार की प्रयोगशाला। ड्रोन को दूर से ही तबाह कर देगा ये खास सिस्टम, सरकार कर रही बड़ी तैयारी। खाने के तेल की कीमतों में आएगी गिरावट, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।